उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ और मऊ में सपा नेताओं पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई पर कहा कि चुनाव से पहले यह सब जानबूझकर किया गया, ये सब पहले भी हो सकता था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भेदभाव से काम करती है, इस सरकार ने जनता को परेशान किया है, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि बीजेपी का खात्मा करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजीव राय रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आज से पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया, आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं, अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, जो सरकार से टकराएगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदिल आजम खान साहब को नहीं देखा, उनपे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया, किसानों पर मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इसी इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बाद भी कोई नया रास्ता नहीं है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।